नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अयोध्या जिले में आम आदमी पार्टी के बीकापुर विधानसभा प्रत्याशी सुनील श्रीवास्तव ने कहा कि मौका मिला तो समाज के सभी वर्गों का विकास करेंगे और इसके लिए बिना किसी भेदभाव के काम करूंगा। आपका एजेंडा 100% लागू किया जाएगा और क्षेत्र में मिली तमाम खामियों को दूर करने का प्रयास होगा। आम आदमी के प्रत्याशी श्री श्रीवास्तव ने कहा है कि जनसंपर्क के दौरान बड़े पैमाने पर आम आवाम का समर्थन मिल रहा है और इस मौके पर प्रदेश महासचिव नवीन निश्चल निगम और सूरज शुक्ला सहित कई लोग भी मौजूद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने समाज के गरीब लोगों का, मैंने अपने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। 28,000 कम्बल वितरण किया है। कोरोना काल में मैंने 15,095 मास्क, 15,000 सैनिटाइजर, इसके अलावा हमने 2,500 लोगों का, मैं मेडिकल का काउंसिल भी पूर्व में रहा हूँ, इसके वजह से लोहिया मेडिकल कॉलेज PGI में भी मैंने 2,500 से 3,000 लोगों का मैंने इलाज कराया, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों का। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया है, बीकापुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है आम आदमी पार्टी ने, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। खबर गोरखपुर से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया। इस दौरान प्रशासन ने सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। सीएम योगी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे, साथ ही जेपी नड्डा और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का मामला सामने आया है। आरोपियों के मुताबिक राम मंदिर पर दिए गए ओवैसी के बयानों से आरोपी आहत थे। गौतम बुद्ध नगर के सचिन और सहारनपुर के शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन से पिस्टल बरामद की गई है और एक गाड़ी भी बरामद हुई है। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत धार थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें दो व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लापता सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर। संभल में सपा RLD की चुनावी सभा में गठबंधन नेताओं की जुबान फिसली है। किसी ने खून बहाने की चेतावनी दी है तो कोई PM और CM को बे औलाद कह रहा है। शहर विधायक ने सपा RLD की संयुक्त बैठक के दौरान मोदी सरकार को मनहूस सरकार कह दिया। वहीं नेताओं ने अपनी पार्टी को जिताने की अपील भी की। आज मैंने फैसला जो हिंदू और मुसलमान को राजने का काम करते हैं, किसान हिंदू से दोबारा छीनने का काम करते हैं, बेरोजगारों से उनकी रोटी छीनने का काम करते हैं, धर्म से लड़ते हैं, जाति से लड़ते हैं। कोरोना आई बेशक कुदरत की तरफ से देन थी, लेकिन व्यवस्थाएं हमेशा सरकार की होती है। वो आलम मुझे याद है जब पहला कोरोना आया तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सैकड़ों शहीद हो गए सिर्फ अपने घर जाने के लिए, और वो एक तो मां और बहन की निकलती है वो अर्श को गिरा देती है। इसलिए आज जितनी आहें निकली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इंशाल्लाह राजद और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं तैयार करने के कि हमें इस सरकार को हटाना है जिसने हमें सिवाय दुख के कुछ नहीं दिया। सही बात तो यह है कि जब से 2014 से जब से BJP की सरकार देश के अंदर आई है, मनहूस साबित हो रही। ये कहा सुना था, ये मान थोड़ा सा चली बीमारी,
ये कोरोना किसी ने सुना था, मगर जब से ये आए कोरोना भी लिया है, बीमारी भी लिया है, महंगाई भी लिया है, बेरोजगारी भी लिया है, सारे नौजवानों को निकालने का काम किया बजाय इसके तो उनको नौकरी देते हैं और उनकी नौकरी छीनने का काम किया। किसानों की तादाद कम है, अरे आप क्या जानेंगे उन किसानों के दुख दर्द को, क्योंकि जब मैंने कहा फसल जब बड़ी होती है तो एक बच्चे की तरह लालन पालन पोषण होता है, लेकिन वो लोग क्या जाने जो केंद्र में बैठे हैं या जो फिर उत्तर प्रदेश की सीट पे बैठे हैं, उनको नहीं पता कि औलाद का दुख दर्द क्या होता है। अगर पता होता तो वो भी कहीं ना कहीं सोच लेते, लेकिन जिनके खुद औलाद नहीं वो औलाद के दुख और दर्द को क्या नहीं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद से आगरा जा रही मारुति वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद वैन खाई में पलट गई। आपको बता दें कि हादसे में लगभग 7 लोग घायल हुए हैं और 2 की मौत हो गई है। सोनभद्र में अवैध खनन लगातार चलता रहता है। प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व के सपा सरकार में हुए अवैध खनन से सबक लेते हुए खनन में पारदर्शिता बनाने की कोशिश की है। ई टेंडर के माध्यम से खनन पट्टे स्वीकृत हुए हैं। हाल ही में योगी सरकार ने बालू के ई टेंडर प्रक्रिया से 4 खनन पट्टों को स्वीकृत किया। खनिज विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने खनन पट्टों के सीमाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अवैध खनन रोकने के लिए टीम ने सभी खनन पट्टों को रास्ते को काट दिया है और जिससे अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पत्नी ने बताया है कि 3 नकाबपोश ने घर के अंदर आकर मारपीट कर उनके पति को मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय CHC से रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी ने फुलवार निवासी ज्वाला प्रसाद के 3 भाइयों में युवक का गला दबाकर उसी के आवास पर हत्या कर दी गई। युवक के चेहरे पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और निरीक्षण किया। सूचना के बाद हमारी पुलिस यहां पे पहुंची है तो प्रारंभिक छानबीन हुई तो ये पता लगा कि घटना 10:30-11 बजे के आसपास की है। वहां की स्थितियां जो है वो भी थोड़ी संदिग्ध है और सारे पहलुओं को लेकर के घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने भी किया है, टेक्निकल टीम हमारी है और इसमें गहराई से जांच की जा रही है। इसमें जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे। औरैया से फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निर्दयी मां ने अपने ही नवजात बच्चे को खेत में फेंका। बच्चे का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये मामला फफूंद थाना क्षेत्र के मुड़ी गाँव का है। पड़ा हुआ है मृत्यु तो हमने वहाँ यहाँ आके देखा तो फिर थाने में इसके बारे में सूचना दी तो यहाँ प्रशासन आ गया है। अब आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम मुड़ी में आज 5-6 माह का मृत अवस्था में एक नवजात शिशु बरामद हुआ है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उसका पंचायतनामा भरते हुए आवश्यक कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई गई। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर कन्नौज से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव एक खेत में पड़ा मिला। युवक के शरीर में कई चोट के निशान बताए जा रहे हैं। गला रेत कर युवक की हत्या की गई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना अब हमका जे लड़का को मार काटेदार का है। क्या नाम है लड़के का? जितेंद्र। किसी के ऊपर शक है? नहीं है, हमारी शक मौजे के अंदर नहीं है सर। कहाँ रहते हो? कठेला। क्या घटना हुई? मेरे भाई का मर्डर। बड़ा था तुमसे? हाँ।
क्या नाम है उसका? जितेन। कैसे हुआ मर्डर? पता नहीं भाई, अचानक रात में कोई लिवाया से आया। किसी ऊपर शक तो नहीं है? किसी के ऊपर? उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।